नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। 18 घंटे बाद दोनों युवकों का शव बरामद। तांदुला नदी के आमटी डैम में बह गए थे दोनों। SDRF की टीम ने खोज निकाला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में तांदुला नदी पर बने आमटी स्टॉप डैम में बहे दो युवकों का शव 18 घंटे बाद SDRF की टीम ने खोज निकाला। सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम को सफलता मिली है। दुर्ग जिले के अंडा क्षेत्र निवासी यज्ञेश चंद्राकर से मिली जानकारी के मुताबिक नदी में बहे युवक का नाम चुम्मन ठाकुर 29 वर्ष, पिता सतन ठाकुर और शिवम 19 वर्ष, पिता विक्की सोनी था। दोनों अंडा के ही रहने वाले थे। चुम्मन, शिवम और उसके चार दोस्त अंडा से कुछ दूर विनायकपुर के पास तांदुला नदी में बने आमटी स्टॉप डैम की तरफ गए थे। चुम्मन ने अपनी बाइक को धोने के लिए स्टॉप डैम में चढ़ाया। गुरुवार दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच शिवम और चुम्मन बाइक धो ही रहे थे कि अचानक उनका पैर फिसल गया और दोनों बाइक के साथ नदी के तेज बहाव में चले गए। उनके दोस्तों ने शोर मचाया लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला था। जानकारी के मुताबिक चुम्मन पढ़ाई के बाद गांव में अपनी एक दुकान चलाता था। उसका एक भाई और एक बहन है। पिता भी उसके साथ खेती और दुकान देखते हैं। शिवम अपने घर का अकेला लड़का है। उससे छोटी उसकी एक बहन है। उसके पिता दुर्ग में एक ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं। दोनों युवकों के डूबने से पूरे गांव में मातम सा पसरा हुआ है।